मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए, पॉजिटिव रहिए, हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए। मैं आपको यही बोलूँगी कि प्रेगनेंसी में हंसना, मुस्कुराना, पॉजिटिव रहना एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और मुस्कुराते रहें, तो उसके लिए चाहिए कि सुबह सुबह आपको जो ब्रेकफास्ट मिले वो एकदम हेल्दी हो और जिसको खाकर आपका मन खुश हो जाए और जिसको आप बार बार खाने की लिए सोचें, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज कि हम प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में हमें ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जो कि हमारे हेल्थ के लिए तो इम्प्रूविंग होती ही हैं, साथ ही साथ जो हमारा बच्चा है उसके लिए भी 100% वर्क करती हैं। देखिए, सुबह सुबह का खाया हुआ हमारे शरीर को बहुत अच्छे से लगता है क्योंकि हमारा पेट खाली रहता है, ठीक है, एकदम साफ़ रहता है। तो उस समय हम कुछ भी हेल्दी खाएंगे तो वो हमारे शरीर को अच्छी तरह से लगेगा, ठीक है। तो सुबह के ब्रेकफास्ट को लेकर जो प्रेग्नेंट मॉम होती है उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर आज यही बात करेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में आपको कंप्लीट 9 मंथ में सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जो कि पौष्टिक भी हो और जिसको खाने का मन भी करे और हमारे शरीर को भी लगे और हमारे बच्चे का भी विकास अच्छे से हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कोई आपको ये नहीं बताऊंगी, कोई चार्ट वगैरह नहीं शो करूंगी, आपको इस तरीके से बताऊंगी जो कि आप कभी भी किसी भी डे में खा सकते हैं। पर्टिकुलर ये नहीं कि आपको इस डे में ये खाना है, इस डे में ये खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि आप जो भी ब्रेकफास्ट ले रहे हो सुबह सुबह का, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी ना हो। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि आपके गर्भ में एक नन्ना सा बच्चा है और सुबह सुबह आपने कुछ स्पाइसी या बहुत ज़्यादा ऑयली खा लिया तो वो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मिस आपको आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक रहेगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि आप क्या क्या खाएं सुबह के ब्रेकफास्ट में अपने बच्चे हेल्दी बच्चे के लिए। तो सबसे पहले देखिए, आप दूध सुबह लेती हैं तो आप सबसे पहले दूध लेना चाहें तो दूध ले सकती हैं या फिर आप जूस लेना चाहें तो जूस ले सकती हैं, क्योंकि जो भी आप मॉर्निंग में लोगे वो बहुत आपके बच्चे के लिए हेल्दी रहेगा। तो जैसे कुछ मॉमीज़ में, इवन सभी में ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन बहुत डाउन रहता है, हीमोग्लोबिन को मेंटेन रख पाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स आपको लेने ही लेने हैं, उसमें आपका अखरोट हो, आपका काजू हो, बादाम हो, पिस्ता हो, किशमिश हो, ठीक है, नारियल के कटे हुए जो ड्राई नारियल होता है उसके कटे हुए कुछ पीसेस हो, तो आप एक मुट्ठी आपको वो रखना है ताकि आप उनको अच्छे से च्यूइंग कर पाओ, अच्छे से खा पाओ। बादाम भिगे हुए आप लेना है, छिलका वाला बादाम आपको नहीं लेना है, छिलका को निकालना है क्योंकि छिलका प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये डिटेल में देखना है बादाम खाने के प्रेगनेंसी में क्या क्या लाभ है तो प्लीज़ आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए कि भीगे हुए बादाम बिना मीन्स उनका छिलका निकाल कर खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, प्लीज़ उसको आप जरूर देखिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स आपको खा लेने हैं, अच्छे से उसको च्यूइंग करना है, बिल्कुल मुंह में रबड़ी हो जाए, फिर उसके बाद आप एक गिलास दूध ले सकते हैं, ठीक है। दूध और आप जूस पी रहे हो तो कम से कम 40 मिनट का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप अनार का जूस लीजिए, एप्पल खा लीजिए, ठीक है। जूस में आप अनार का सुबह सुबह लेंगे, अनार का और चुकंदर का, ये दोनों आप जूस लीजिए, आपको हीमोग्लोबिन की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, साथ ही साथ आपका हीमोग्लोबिन अच्छा बना रहेगा, आपकी डिलीवरी में भी ये बहुत फ़ायदा करेगा। तो चुकंदर का जूस और अनार का जूस जब आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, दूध ले लिया तो कम से कम मैंने बोला ना 40 से 45 मिनट का आपको गैप रखना, उसके बाद आप ये ले सकती हैं, ठीक है। तो आपका हीमोग्लोबिन एकदम फिट रहेगा, कभी भी आपको अलग से कोई टॉनिक या सिरप पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट 9 मंथ आपको ये करके देखना, ठीक है। एप्पल ले सकती है, एप्पल भी एपिटाइजिंग फूड है, आपके हीमोग्लोबिन को भी अच्छा रखेगा, ऑल ओवर वो काफ़ी हेल्दी रहता है, तो आप एक एप्पल भी खा सकती हैं। अब इसके बाद, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगी, दूध है, जूस है, बहुत जल्दी इजी डाइजेस्टिबल है, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम मेंटेन करके ज़रूर रखना है, फिर आप कुछ भी ले सकती हैं, जैसे पोहा, आप पोहा खा सकते हैं, पोहे में आप वेजिटेबल डालकर आप बनाइए, बहुत हेल्दी रहता है, ठीक है। तो आप जैसा भी पोहा खाना पसंद करते हैं वो पोहा आप ले सकती हैं। साबुत अनाज में जैसे मूंग है, मोठ है, इनके स्प्राउट आप खाइए, चने हैं, लोबिया है, ये आप इनको बॉईल करके इनको अच्छे से खाइए,
हल्का सा नींबू उसमें निचोड़ लें, हल्का प्याज है टमाटर है, इस तरीके से आप मिक्स करके इनको आप खाइए। साबुत अनाज बहुत हेल्दी रहता है, स्प्राउट ये आप खाइए, स्प्राउट बहुत हेल्दी रहते हैं आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए, ऑल ओवर बॉडी पार्ट के लिए, तो आप स्प्राउट खा सकती हैं। ठीक है, साबुत अनाज मैंने आप जो बताया वो आप ले सकती हैं, उनमें इनके स्प्राउट आप खा के खाएंगी तो आपके बच्चे के विकास के लिए और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि ये साबूदाना है, साबूदाना भी आप ले सकती हैं, साबूदाना की खिचड़ी खा सकती हैं, साबूदाना की टिक्की खा सकती हैं, साबूदाना की खीर खा सकती हैं। हालांकि खीर तो नाश्ते ब्रेकफास्ट में सही नहीं रहेगी, वो आप अपने लंच में या डिनर में इंक्लूड कर सकती हैं, लेकिन आप साबूदाने की, आपको खिचड़ी पसंद है तो आप साबूदाने की खिचड़ी ज़रूर खाइए, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, तो आप साबूदाने की खिचड़ी खा सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट में दलिया लेती हैं तो दलिया आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जिन मॉमीज़ का वेट कम रहता है, वज़न नहीं बढ़ता प्रेगनेंसी में, हल्की रहती हैं, क्योंकि बैलेंस वज़न जो वेट होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपका वज़न कम हुआ तो डिलीवरी होने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो जिन मॉमीज़ का वज़न नहीं बढ़ रहा वो दलिया ज़रूर खाएं। आप दलिया कैसे खा सकती हैं, आप दलिये को मींस नमकीन बना के खा सकती हैं, उसमें आप सारे वेजिटेबल ऐड कर लें, गाजर है, मटर है, ब्रोकली है, और जो भी सीजनल वेजिटेबल है वो आप दलिये में इंक्लूड कर लें, घी का तड़का मारें और उसको आप खाइए, कितना टेस्टी लगता है। तो आप नाश्ते में सुबह सुबह एक प्लेट दलिया खा सकती हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको नमकीन दलिया नहीं खाना तो आप मूंग की दाल दलिया खा सकती हैं, दूध दलिया आप ले सकती हैं, सुबह सुबह आप दूध दलिया लेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपके वेट को इनक्रीज़ करने में बहुत हेल्दी रहेगा। साथ ही साथ जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी में दूध बनाता है, जो कि माँ के लिए तो ठीक रहता ही रहता है, लेकिन बच्चे को जो दूध मिलेगा वो बहुत हेल्दी रहता है, बच्चा एकदम गोलू मोलू हो जाएगा उस दूध को पी के। अगर अपने डाइट में आप दलिया इंक्लूड करती हैं, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और आपके जो दूध प्रोडक्ट है, दूध की जो सप्लाई है वो भी अच्छी रहेगी, तो आप दलिया इंक्लूड कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं बेसन चीला की। बेसन चीला भी बहुत हेल्दी रहता है, बेसन बहुत हेल्दी रहता है, तो आप बेसन चीला बना सकती हैं। उसमें आप वेजिटेबल बहुत पतले पीसेस काट कर बेसन में उसका आप चीला बना लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है बेसन का चीला। आप सूजी का भी चीला खा सकती हैं, लेकिन आप बेसन का चीला ज़्यादा खाएँ वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप ये भी खा सकती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पालक डोसा की। पालक डोसा आप कैसे बनाएंगे, पालक डोसा भी बहुत अच्छा रहता है, तो आप क्या कर सकती हैं, जिस तरह से आप पालक को बॉयल कर लीजिए, उसे पीस लीजिए और उसे आप जो भी आप डोसा बनाते हो, जो डोसा में जिसका भी बैटर होता है, चावल का होता है, सूजी का होता है, उसमें उस आप पालक को आप डाल लीजिए और फिर वो आप डोसा खाइए, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस जो भी डोसा का बैटर है उसमें आपको पालक पीस कर डाल लेना है, बॉयल करके डाल लेना है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर करके मीन्स खा सकती हैं। ठीक है, तो ये भी आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप अंडर वेट हो, आपका वेट कम है, तो आप क्या कर सकती हैं, आप अपनी भूख के अकॉर्डिंग 2 केले या 3 केले जितने भी आप खा सकती हैं दूध के साथ खाइए, बहुत ही हेल्दी नाश्ता रहता है। आप दूध के साथ अगर आप केला खा रही हैं तो आपके वेट को वो बहुत जल्दी से बढ़ाएगा, अगर आप अंडर वेट हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना कि मैं ये खाऊँ वो खाऊँ, हम एक्चुअली कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल अपना ये रखिए, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साबुत अनाज आप जितना खा सकते हैं खाए, ओट ले लीजिए, आप दलिया खाइए, मोस्ट हेल्दी है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, पोहा मैंने बताया, साबूदाने की खिचड़ी और जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके यहाँ पर ज़्यादा खान पान के चलन में है तो वो आप खा सकती हैं। एग, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग जरूर इंक्लूड कर सकती हैं अपने ब्रेकफास्ट में। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में यही चीज़ें आप बार बार दोहराओगे तो आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा, आप भी हेल्दी रहेगा, आप कन्फ्यूज भी नहीं रहेंगे तो मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। नॉर्मल आप अपने ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो आई होप माय डियर मॉमीज, ये छोटी सी वीडियो जो कि पर्सनली मैंने अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो करी थी, आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो इसमें से आप इंक्लूड कर लीजिए, और आप अपनी तरफ से कुछ और इंक्लूड करना चाहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेहतरीन, आप इनको भी इंक्लूड कर सकती हैं। ठीक है, तो बस हेल्दी खाइए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। माय डियर मॉमीज, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।